नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि बिहार सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित होने वाली है, जिसमें सभी नियोजित शिक्षक परीक्षा देने वाले हैं। या BPSC TRE 3.0 का आयोजन भी जल्द ही होने वाली है। ऐसे में SCRT का बुक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कड़ी में हम आज की इस वीडियो में SCRT वर्ग 8 का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब के अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। आगे भी SCRT को लेकर और भी वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, सबसे पहला अध्याय जो है वो है भारतीय संविधान। अब इस अध्याय में सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस प्रकार का कानून है? इसका उत्तर है बुनियादी कानून। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है? इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आगे का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है? इसका उत्तर है प्रत्येक 3 किलोमीटर। आगे का प्रश्न है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1 to 5 के लिए 30 छात्रों पर एक शिक्षक एवं 6 से 8 के लिए 35 छात्रों पे एक शिक्षक का होना आवश्यक है। आगे की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में AO ह्यूम के द्वारा की गई थी। आगे का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की मांग कब रखी? उसका उत्तर है 1920 ईस्वी में। उसके बाद है, भारतीय संविधान की एक नई रूपरेखा कब एवं किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये जो रूपरेखा है 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये रूपरेखा तैयार की गई थी। आगे का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था? इसका उत्तर है कराची अधिवेशन 1931 में। आगे है, स्वतंत्र संविधान सभा की मांग कब की गई जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई? 1934 ईस्वी में। प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन 1946 दिसंबर 1946 में किया गया था। आगे का प्रश्न है कि संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। आगे का प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष के पद पर कौन चुने गए? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? इसका उत्तर है बिहार राज्य के। प्रश्न है कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। आगे एक प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे का प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब शुरू किया? इसका उत्तर है 9 जनवरी 1946 को। प्रश्न है कि भारतीय संविधान लिखने का कार्य कब पूरा हुआ? इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पहला अध्याय से बस ये 18 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। अगला अध्याय है
धर्म निरपेक्षता और मौलिक अधिकार। इसमें पहले प्रश्न की बात करें तो भारत में कितने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसका उत्तर है 8 धर्म। कौन कौन? हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। अगला प्रश्न है कि धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं, तो जो SCRT बुक के अनुसार है कि भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है, वह उसमें धार्मिक विचारों, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी विचार को धर्म निरपेक्षता कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन से हथियार रखना सिख धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, तो वो हो जाता है, उसका उत्तर हो जाता है कृपाण। उस हथियार का नाम कृपाण है जो कि 6 इंच तक का एक सिख धर्म के लोग मानने वाले लोग रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में कितने संप्रदाय है, तो जैन धर्म में कुल 2 संप्रदाय है। कौन कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर क्या है, तो साधु, इसमें जो श्वेतांबर के में जो साधु होते हैं वो श्वेत यानी कि उजला वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर में जो साधु होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के 3rd भाग में है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को कितने भाग में बांटा गया है, तो मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में 6 भाग में बांटा गया है। कौन कौन है? तो वो है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब हम बात करते हैं कि समता का अधिकार का मतलब क्या होता है, समता का अधिकार का मतलब क्या होता है। समता का अधिकार का मतलब ये होता है कि कानून की नज़र में सभी लोग एक समान है, कानून की नज़र में सभी लोग एक समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। आगे का है कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसके बाद देश के किसी भी भाग में आने जाने तथा रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल होता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें है संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार यानी कि जो मानव व्यापार करते हैं, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इस बार आगे है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। आगे का प्रश्न है कि धर्म निरपेक्षता को कब और किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, तो ये 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 42वां संशोधन कब हुआ था, तो वो भी प्रश्न यहाँ से बन के आ जाता है कि 1976 में। आगे का प्रश्न है कि संपत्ति उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति का हिस्सा कब से मिलना शुरू हुआ, इसका उत्तर है 1952 में। अगला अध्याय है संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। तो इस प्रश्न का जो, इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो जनप्रतिनिधियों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है,
तो ये है 5 वर्ष के लिए होता है जनप्रतिनिधि का चुनाव। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधि का अर्थ क्या है। प्रतिनिधि का अर्थ लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति से संबंधित है। आगे का प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को विधायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं, कौन कौन, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है। तो संसद के निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। प्रश्न है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, मतलब निचले सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें कि 238 जो है वो चुने जाते हैं यानी कि निर्वाचित होते हैं, और उसका 12 जो है वो मनोनीत होते हैं यानी उसको बनाया जाता है। अगला है कि प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। उसका उत्तर है 1/3। अब प्रश्न ये भी है कि राज्यसभा के कुल सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि 2 साल पे होता है। आगे का प्रश्न बात करेंगे तो कौन सा सदन कभी भंग नहीं होती है। तो राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि हर एक 2 साल पे जो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है, जिस कारण से ये सभा जो है कभी भंग ही नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये उत्तर है 6 वर्ष का। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संसद का 3रा अंग कौन सा है। तो भारतीय संसद का 3रा अंग राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न की बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्षों के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है। तो भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में से कुल 272 सीट की आवश्यकता होती है। आगे का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है लोकसभा में बहुमत वाले दल के गठबंधन के नेता को, मतलब लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा उस दल के जो नेता होंगे ना, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसके सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति, इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के सरकार में सर्वोच्च स्थान किसका है। तो इस भारत में जो है सरकार में जो सर्वोच्च स्थान होता है ये होता है प्रधानमंत्री का। अगले प्रश्न की बात को करें तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम कौन करता है। तो ये प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। प्रश्न है कि संसद के प्रमुख काज कौन सी है। तो संसद के प्रमुख जो काज है ये है विधायी कामकाज, वित्तीय काज, इसके बाद सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। अगले प्रश्न की बात करें तो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के लिए संसद के पास क्या क्या तरीका है। तो ये जो तरीका है वो है प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, इसके बाद सरकार की नीति और कार्यक्रम की आलोचना करना, और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पेश करना। अगला प्रश्न है कि संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन किससे शुरू होता है। तो संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन जो होता है वो प्रश्नकाल से शुरू होता है, कि जो कि शुरुआत का 1 घंटा प्रश्नकाल का रहता है। अब है कि कितने उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो ये है 18 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। अब अध्याय 4 यानी कि कानून की समझ की बात करें तो जो सबसे पहला प्रश्न जो निकल के आता है वो है सार्वजनिक कानून किसे कहते हैं। अब
सार्वजनिक कानून कहते हैं कि संपत्ति व्यक्ति व सरकार के बीच व्यवहार आपराधिक घटना तथा व्यक्तियों की सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून को सार्वजनिक कानून कहते हैं। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सहकारिता कानून, दंड विधान। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक कानून को कितने भागों में बांटा गया है। इसका उत्तर है दीवानी कानून एवं फौजदारी कानून। अगले प्रश्न है कि दीवानी कानून के अंतर्गत कौन से कानून आते हैं। तो इसके अंतर्गत जमीन जायदाद, विवाह किससे संबंधित जो कानून होते हैं वो दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फौजदारी कानून के अंतर्गत कौन से कानून आते हैं। तो लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, डकैती आदि जो होते हैं वो फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने किसे दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संसद को। अगला प्रश्न है कि भारत में संसद के कितने सदन हैं। तो भारत में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। प्रश्न है कि बिहार राज्य में राज्य विधान पालिका द्वारा बिहार प्रेस बिल कब पारित किया गया था। तो ये 1982 में पारित किया गया था। इसके तहत जो भी सरकार की आलोचना करता था, जो भी अखबार हो या मीडिया हो, तो उसको जेल भेज दिया जाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में आंतरिक आपातकाल कब लगाया गया था। तो भारत में आंतरिक आपातकाल 1974 से 76 के बीच लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के विरोध में किसने पूरे भारत में जन क्रांति प्रारंभ की। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाई गई जन क्रांति किस नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका उत्तर है संपूर्ण क्रांति। अगले अध्याय की बात करें तो अध्याय है न्यायपालिका। इसमें जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब एवं किस शहर में की गई। तो 1862 में जो पहले तीन जो है उच्च न्यायालय उसकी स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई एवं चेन्नई में की गई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। इसका उत्तर है 1966 में। प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा का साझा न्यायालय कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में। मतलब पंजाब और हरियाणा राज्य का एक ज्वाइंट कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो कि जो कि चंडीगढ़ में है। अब प्रश्न है कि सातों उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एकमात्र उच्च न्यायालय कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है कि सरकार कितने अंगों की सहायता से काज करती है। इसका उत्तर हो जाएगा तीन अंग। कौन कौन? एक होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है न्याय सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न की बात करें तो न्यायपालिका कितने स्तर पर कार्य करती है। तो न्यायपालिका तीन स्तर पर कार्य करती है। सबसे पहला होता है जिला न्यायालय, उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय हर एक जिले में होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय हर एक राज्य का अलग अलग होता है और सर्वोच्च न्यायालय देश का एक होता है। आगे की बात करें तो प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 कब से लागू हुआ। तो ये जो है भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम ये है 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ। अगले अध्याय की बात करें तो अध्याय है न्यायिक प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो है कि FIR का पूरा नाम क्या है। FIR का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट। अगले प्रश्न की बात करें तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है किस जुर्म में गिरफ्तार लोगों को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। तो यह है चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत, ये सब है, ये गैर जमानती अपराध होते हैं।
अगला प्रश्न है, अगला अध्याय है अध्याय नंबर 7 जो है सहकारिता। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न जो निकल के आ रहा है कि सहकारिता का अर्थ क्या है। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। अगला है टैक्स का पूरा नाम क्या है। टैक्स का पूरा नाम होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कुल कितने पंचायत हैं। तो बिहार राज्य में कुल 8463 पंचायत हैं। अगले अध्याय की बात करें जो कि है खाद्य सुरक्षा, इसमें जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं वो है कुपोषण किसे कहते हैं। उसका उत्तर होगा शरीर के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त आहार का लंबे समय तक न मिल पाना ही कुपोषण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक वर्ष में कुल कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। यह है 100 दिन। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 1.0 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो एफसीआई का पूरा नाम क्या है। एफसीआई का पूरा नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। अगले प्रश्न की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी क्या है। उत्तर है किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती है, इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। प्रश्न है कि बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं, इसे बफर स्टॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना क्या है। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वर्ग 8 का ये सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के सभी अध्यायों का महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर संग्रह किया गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।